छत्तीसगढ़ में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बाद अब अगले सत्र से AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कोर्स में शामिल की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात की घोषणा बीते 15 अगस्त को अपने भाषण में की थी। प्रदेश में भूपेश सरकार बनने के बाद से लगातार शिक्षा का स्तर उठ रहा है। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों ने एक तरफ जहां अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई को बिना किसी खर्च के आसान बनाया है, उसी तरह अब प्रदेश में AI की पढ़ाई में आसानी हो सकेगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर प्रदेश में शिक्षा की अलख जगी है। बता दें कि अगले शिक्षा सत्र से स्कूली बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकी जानकारी उनके सिलेबस में शामिल की जाएगी। शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज आने जाने के लिए बस की फ्री सेवा दी जाएगी। अगले सेशन से छत्तीसगढ़ी भाषा और आदिवासी क्षेत्रों की स्थानीय बोली को क्लास फर्स्ट से क्लास फिफ्थ तक उनके सिलेबस में एक टॉपिक की तरह सम्मिलित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के CBSE स्कूलों में भी कक्षा 9वीं से 10वीं की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराई जाएगी। इससे छात्रों को हाईटेक शिक्षा मिलेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्लास 9th और 10th के छात्रों के सिलेबस में AI को शामिल किया जाएगा। CBSE ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। AI मशीन की तरह सोचने, सीखने और सामान्य रूप से इंसान की तरह काम करने वाली मशीन है। CBSE छात्रों को पढ़ाने के लिए AI का इस्तेमाल करने जा रही है। इससे कोडिंग जैसे विषय भी जल्दी पढ़ाए जाएंगे। इनके साथ ही डेटा साइंस की जानकारी भी छात्रों को दी जाएगी। बोर्ड ने 33 विषयों की लिस्ट तैयार की है, जिनमें AI, फाइनेंशियल लिटरेसी, कोडिंग, डेटा साइंस, संवर्धित वास्तविकता यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी, कश्मीरी कढ़ाई, सैटेलाइट्स एप्लीकेशन, ह्यूमैनिटी और COVID-19 जैसे और भी कई टॉपिक्स हैं जो शामिल किए जाएंगे। बच्चों को इससे कई तरह के फायदे मिल सकते हैं, जैसे कि बच्चों को कम समय में मशीन लर्निंग के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है और बच्चे इसके उपयोग से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखे बिना भी अच्छी कोडिंग लिख सकते हैं। छात्र बेहतरीन वीडियो कंटेंट बना सकते हैं और एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं। छात्र कंटेंट राइटर और न्यूज़ राइटर बनने के लिए ज़रूरी कौशल प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए मार्केटिंग करने का तरीका सिखाया जाएगा। छात्र आर्टिफिशियल इमेज डिज़ाइन की नई टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं। मुख्यमंत्री की इस पहल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।